पार्टी। आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। विद्यार्थियों को डाउट क्लियरिंग के लिए गाइडलाइन अनुसार कक्षा का संचालन किया। शासन की गाइडलाइन अनुसार विकास खंड के समस्त शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल मंगलवार से खुले। बीईओ राजश्री पवार ने बताया कि विद्यार्थियों को डाउट क्लियरिंग के लिए क्लास 2 घंटे के लिए आयोजित कर रहे हैं, जिस पे विद्यार्थियों को शासन की गाइडलाइन अनुसार स्कूल के मुख्य गेट पर थर्मल स्कैनिंग, साबुन से हाथ धुलाना सहित हाथ को सैनिटाइजर करके ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। इससे पूर्व स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्कूल में कक्षों को सैनिटाइजर कराया गया। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई है, जिसका समय सुबह 9 बजे से 11 बजे या दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मालसिंह चौहान ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के तहत विद्यार्थियों को पेरेंट्स की अनुमति लेकर टीचर से डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं भी अब स्कूलों से संचालित की जाएगी। स्कूल में एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जा रही है। उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य वी के सुलिया ने बताया कि इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों को पूरे समय फेस कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ साबुन से बार बार हाथों को धोना सहित सैनिटाइजर कराया जा रहा है। इसी के तहत पाटू की उत्कृष्ट व कन्या स्कूल में डाउट क्लियरिंग के लिए कक्षाओं का संचालन किया गया है। दोनों स्कूलों में शासन की गाइडलाइन का पालन कर रही है। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कितने महीनों के बाद स्कूलें शुरू हुई है, तो शासन के प्रोटोकॉल के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही जैसे बच्चे आए सर, तो उनके बच्चों के हाथ धुलाए गए, मास्क दिए गए और कक्षों में भी सैनिटाइजर करवाया गया सर, और साथ ही साथ उनको पढ़ाई के लिए भी अच्छे मार्गदर्शन, उसको सामाजिक दूरी बना के अलग अलग बेंचे पर बैठने के लिए उनको प्रेरित किया। कक्षे में क्या व्यवस्था है? कक्षे में वही सर, एक एक बेंच पे सिंगल बेंच। अभी विद्यालय में जो गाइडलाइन आई है उच्च स्तर से, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, विद्यालय कक्ष में सैनिटाइजर करना है, मास्क वगैरह का उपयोग किया जाना है और आधे आधे घंटे के हिसाब से मार्गदर्शन दिया जाना है। 6 फीट की दूरी पे बच्चों को बैठा रहे हैं और जैसे आगे जैसे निर्देश होगा और संख्या बढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी हम कक्षा में सीमित मात्रा 15 से 20 बच्चों को बैठा रहे हैं।